हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राजन भारद्वाज। आज की हमारी टॉपिक है पैरासीटामॉल। आज हम आपको बताएंगे पैरासीटामॉल दवा जो है ये कितना बच्चों के लिए सेफ है, वयस्क के लिए सेफ कितना है या नहीं है, और प्रेगनेंसी में ये दवा यूज कर सकते हैं या नहीं। तो हम बता दें कि पैरासीटामॉल जो टैबलेट है, मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती हैं, जो कि कल्पाल, डोलो, पैरासी, पैरामॉल, कई नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि इसका साल्ट है पैरासीटामॉल मार्क, जो कि हम तब इसका यूज करते हैं जब हम लोग को फीवर या बदन दर्द रहता है हल्का फुल्का, तब हम इसका यूज करते हैं। और इसका हम जब हम कैसे जाने बुखार हमें कब चढ़ता है, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, या कह सकते हैं 99 फारेनहाइट से अधिक हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हमें फीवर है ये वयस्क में। और बच्चों की बात करें अगर, तो बच्चों में इस बच्चों का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस से, या कह सकते हैं 101.3 फारेनहाइट से अगर अधिक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों में फीवर है। और इस दवा का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4000 मिलीग्राम से ज़्यादा यूज इसका एक दिन में यूज नहीं कर सकते, वो भी 4 से 6 टाइम इस दवा का ले सकते हैं। अगर इस दवा का हम ओवरडोज ले लेते हैं तो हमें मिचली, पेट दर्द, चक्कर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसका क्या डोज है। इसका डोज है, आप अगर आपका वजन 1 किलो है, मतलब 1 किलो का वजन है किसी का, तो होता तो नहीं है, पर उदाहरण के तौर पे 1 केजी के हिसाब से 15 मिलीग्राम 10 से 15 मिलीग्राम इसका यूज़ है। और बाकी मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति का वजन 5 किलो, किसी बच्चे का वजन 5 किलो है, तो उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना 15×75 mg का उसको हम डोज दे सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल से नीचे का है तो हम घर पर ना ट्रीटमेंट करके, घर पर ना दे के, हम डॉक्टर के जरूर कंसल्ट के लिए जाएं, अपने से दवा ना दें। बाकी आप फर्स्ट ट्रीटमेंट, बाकी घर पे किसी को भी फीवर आता है तो ये आप दवा दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये दवा बिल्कुल सेफ है, हर जगह इस दवा को सेफ बताया गया है, तो इसका प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं इस दवा को। और बाकी आप जो माताएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इस दवा का यूज कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ है ये दवा। तो हम बात करते हैं इसका, जैसे कि कई नाम से दवा मार्केट में है, तो आप इसका यूज आप जान ही गए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे किस दवा के बारे में जानना चाह रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।